जानते हो इस वक्त उजाला क्या कर रहा होगा? एक बहुत बड़े मकान में, बहुत बड़े कमरे में, बहुत बड़े पलंग पर वो आराम से गहरी नींद सो रहा होगा। तुम लोग ऐसा करो, उन्हें बाहर लेके आओ, फिर मैं उनका मूड ठीक करता हूँ। काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम, धीरे 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 चाहने वाले हैं। सुख सपनों में खो जाओ, मैं जूनियर महमूद, हिंदी सिनेमा के शौकीनों ने इनका नाम कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। दोस्तों, हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हमें काले हैं तो क्या। 60 और 70 के दशक में फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आने वाला ये चेहरा अपने समय में बेहद मशहूर था। उस दौर के लगभग हर बड़े फिल्म स्टार के साथ काम कर चुके जूनियर महमूद ने अपने हुनर के दम पर बॉलीवुड में अपना एक बड़ा ही खास मुकाम बनाया था। और कम उम्र में ही जूनियर महमूद लोकप्रियता के चरम पर पहुंच चुके थे। ये कितने मशहूर थे इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि एक दौर में मुंबई में केवल 10 या 12 इम्पाला कार हुआ करती थी। उनमें से एक कार जूनियर महमूद के पास थी। अपनी अपनी बीवी पे सबको गुरूर है। जूनियर महमूद का असल नाम है नईम सैयद। इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1956 को मुंबई में। इनके पिता इंडियन रेलवे में इंजन ड्राइवर का काम करते थे और ये अपने परिवार के साथ एंटोप हिल इलाके में स्थित रेलवे कॉलोनी में रहा करते थे। ये चार भाई और दो बहनें थीं। भाई बहनों में नईम तीसरे नंबर पर थे। इनका परिवार एक बेहद साधारण मुस्लिम परिवार था। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। कम उम्र से ही इनके बड़े भाई फिल्म के सेट पर स्टिल फोटोग्राफी का काम करने लगे थे। अक्सर इनके भाई इन्हें फिल्म के सेट की कहानियाँ सुनाया करते थे और भाई के मुँह से वो कहानियाँ सुनकर फिल्म इंडस्ट्री की तरफ ये आकर्षित होने लगे थे। नईम की दिलचस्पी पढ़ाई लिखाई में ज़रा भी नहीं थी। ये बचपन से ही फिल्मों के शौकीन थे और अक्सर फिल्म स्टार्स की नकल उतारा करते थे। अरे घर को मत गोदाम बनाना, समझे? अरे घर को मत गोदाम। एक दिन इन्होंने अपने भाई से जिद की कि वो इन्हें भी अपने साथ फिल्म के सेट पर ले जाएं। भाई ने इन्हें मना कर दिया और कहा, तेरी ज़ुबान बहुत चलती है, अगर तूने वहाँ किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो मेरी तो नौकरी ही चली जाएगी। इन्होंने अपने भाई को भरोसा दिलाया कि ये वहाँ एकदम चुप रहेंगे और किसी से कुछ नहीं बोलेंगे। इनके भरोसा दिलाने के बाद इनके बड़े भाई ने इन्हें अपने साथ ले जाने के लिए रसामंदी दे दी। पर्दा उठने वाला है, तमाशा होने वाला है, कोई हसरा नाम है महमूद, रहता हर जगह मौजूद, पीता रहता हूँ बीड़ी, खाता रहता। अगले दिन नईम के बड़े भाई इन्हें अपने साथ एक फिल्म के सेट पर ले गए जिसका नाम था कितना नाजुक है दिल। इस फिल्म में मशहूर कॉमेडियन जॉनी वॉकर साहब थे और वो इस फिल्म में एक टीचर के किरदार में थे। जॉनी वॉकर के साथ शॉट दे रहा एक बच्चा बार बार अपनी लाइनें भूल रहा था, वो शॉट हो ही नहीं पा रहा था। इत्तेफाक से ये वहीं डायरेक्टर की कुर्सी के पीछे खड़े थे। इन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये डायरेक्टर की कुर्सी के पीछे खड़े हैं और ये कि डायरेक्टर होता कौन है। इनकी उम्र सिर्फ 9 साल की थी। शूटिंग कर रहा वो बच्चा
जब फिर से अपनी लाइन भूल गया तो डायरेक्टर की कुर्सी के पीछे खड़े नईम सैयद बोले, इतनी सी लाइन नहीं बोल पा रहा और आ गया एक्टिंग करने। डायरेक्टर साहब ने पीछे मुड़कर इन्हें देखा और इनसे पूछा, बेटा क्या तुम ये लाइनें बोल सकते हो? इस पर नईम ने जवाब दिया, मुझे तो जॉनी वॉकर की लाइनें भी याद हो गई हैं, मैं तो वो भी बोल सकता हूँ। इसके बाद डायरेक्टर ने उस बच्चे की जगह इनसे वो डायलॉग बुलवाया और इत्तेफाक से एक ही टेक में वो शॉट ओके हो गया। ये बात अलग है कि कितना नाजुक है दिल नाम की वो फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई, लेकिन उस फिल्म से नन्हे नईम सैयद का एक्टिंग डेब्यू ज़रूर हो गया। उस शॉट के लिए इन्हें 5 रुपये दिए गए थे, जो कि उस ज़माने में एक बड़ी बात थी। पहली फिल्म में काम करने के बाद ये अक्सर अपने भाई के साथ फिल्मों के सेट पर जाने लगे और फिर इन्होंने कई फिल्मों में बड़े छोटे छोटे किरदार निभाए। कई दफ़ा तो कई फिल्मों में ये बच्चों की भीड़ में भी खड़े दिखे, जहाँ इन्हें किसी ने भी नोटिस नहीं किया। इनका नाम नईम सैयद से जूनियर महमूद कैसे पड़ा, इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है दोस्तों। या अल्लाह, काले से डर गए क्या? हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। दरअसल इन्हें फिल्म सुहागरात में काम करने का मौका मिला था, जिसमें जितेंद्र, राजश्री और महमूद साहब जैसे दिग्गज कलाकार थे। इनके ज़्यादातर सीन महमूद साहब के साथ थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही महमूद साहब की इकलौती बेटी जीनी का जन्मदिन आ गया। महमूद साहब ने बेटी के जन्मदिन की खुशी में अपने बंगले पर एक बड़ी पार्टी रखी। उन्होंने सुहागरात फिल्म से जुड़े लगभग हर इंसान को बेटी के जन्मदिन में इन्वाइट किया था, लेकिन इन्हें नहीं किया। इस पर छोटे से बच्चे नईम ने महमूद साहब से कहा कि मेरा बाप कोई बड़ा प्रोड्यूसर या डायरेक्टर नहीं है, इसलिए आपने मुझे अपनी बेटी के जन्मदिन में इनवाइट नहीं किया। साथ ही इन्होंने महमूद साहब से ये भी कहा कि अगर मैं आपकी बेटी के जन्मदिन पार्टी में आया तो पार्टी में 4 चांद लग जाएंगे। इसके बाद महमूद साहब ने इन्हें इन्वाइट कर ही लिया। ये अपने पिता के साथ महमूद साहब के बंगले पर पहुँचे और वहाँ इन्होंने अमीन सयानी साहब से कहा कि महमूद साहब को बता दें कि वो आए हैं, जबकि ये अमीन सयानी को जानते ही नहीं थे। फिर उसके बाद तो इन्होंने पार्टी में ऐसा रंग जमाया, ऐसा डांस किया कि पार्टी में मौजूद हर शख्स इनका फैन हो गया। महमूद साहब का लोकप्रिय गीत हम काले हैं तो क्या हुआ, इस गीत पर इन्होंने हूबहू उनके जैसा ही गेटअप लेकर डांस किया। खुद महमूद साहब भी इनसे बेहद खुश हुए और पार्टी के बाद महमूद साहब ने इनके पिता से कहा कि अब से ये मेरा चेला है और अब से फिल्मों में इसका नाम जूनियर महमूद होगा। इसी के साथ महमूद साहब ने इनके हाथ में एक गंडा भी बांध दिया। इन्होंने भी 5.5 रुपये महमूद साहब को गुरु दक्षिणा के तौर पर दिए और यहीं से इनका नाम पड़ गया दोस्तों, जूनियर महमूद। के कोई लॉटरी कोई जैकपॉट लगे अपनी किस्मत की नाव। नईम सैयद काफ़ी हद तक महमूद साहब जैसे ही दिखते थे, कई लोग तो उन्हें इनका बेटा ही समझते थे। नईम सैयद से जूनियर महमूद बनने के बाद तो इनकी किस्मत पूरी तरह से बदल गई। ये हफ्ते में 3 दिन महमूद साहब से मिलते ही मिलते थे। जूनियर महमूद की किस्मत का टर्निंग पॉइंट बनी फिल्म ब्रह्मचारी, जिसमें ये शमी कपूर के साथ नजर आए थे। दीदी आप तो सब दिखते हैं। इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा भी बड़ा ही दिलचस्प है दोस्तों। दरअसल फिल्म के लिए जीपी सिप्पी साहब 12 ऐसे बच्चों को तलाश रहे थे जिनकी फीचर्स एकदम अलग हों, और उन्हीं 12 बच्चों में इन्हें भी चुन लिया गया। फिल्म के डायरेक्टर भप्पी सोनी इन्हें बेहद पसंद करते थे। अक्सर पैकअप के बाद वो इन्हें अपने साथ अपने घर ले जाते थे और इन्हें एक्टिंग की बारीकियाँ समझाते थे। इत्तेफाक से इसी दौरान दुर्गा पूजा भी आ गई और फिल्म मेकर राहुल रवेल के पिता HS रवेल के घर पर आयोजित दुर्गा पूजा इवेंट में इन्होंने महमूद साहब के फेमस सॉन्ग हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं पर डांस किया। चूँकि HS रवेल की फिल्म संघर्ष में भी इन्होंने काम किया था, तो उनसे भी जूनियर महमूद की अच्छी जान पहचान हो गई थी
उस डांस परफॉर्मेंस में इन्होंने लुक भी हूबहू महमूद साहब जैसा ही लिया था। इनका वो डांस भप्पी सोनी ने भी देखा। अगले दिन भप्पी सोनी ने इनसे कहा कि वो अपनी लुंगी और बनियान लेकर करदार स्टूडियो में आ जाएं। करदार स्टूडियो ही वो जगह थी जहां पर ब्रह्मचारी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। भप्पी सोनी जूनियर आर्टिस्ट का वो डांस शमी कपूर को दिखाना चाहते थे। अगले दिन लंच ब्रेक में पूरे यूनिट ने जूनियर महमूद की वो परफॉर्मेंस देखी और हर कोई इनका मुरीद हो गया। फिल्म के स्क्रीन राइटर सचिन भौमिक ने फिल्म में इनके इस परफॉर्मेंस को डालने के लिए स्क्रीन प्ले में बदलाव किया और राइटर आनंद रोमानी के बंगले पर ये सीन शूट किया गया। बड़ी बात ये है दोस्तों कि इस सीन के शूट के लिए कोई कोरियोग्राफर नहीं था। जूनियर महमूद ने जैसा अपनी तरफ से परफॉर्म किया वही एज इट इज फिल्म में ले लिया गया। इसके बाद तो मानो इनकी किस्मत ही बदल गई। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं हम तेरे थे। ब्रह्मचारी के बाद इन्होंने दो रास्ते आन मिलो सजना, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी और कारवा जैसी बड़ी और सुपरहिट फिल्मों में काम किया। इनकी अधिकतर फिल्में सिल्वर जुबली ही रहती थीं। ये इतने पॉपुलर हो गए थे कि स्क्रीन राइटर इन्हें ध्यान में रखकर फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखने लगे। महबूबा महबूबा बना लो मुझे दूल्हा, जला दो मेरा झूला। कभी गरीबी में जिंदगी गुजारने वाला ये बच्चा अब इतना अमीर हो गया था कि मुंबई शहर में मौजूद कुल 10 या 12 इम्पाला कारों में से एक इनके पास थी। 9 साल की उम्र में जूनियर महमूद को जो स्टारडम मिला था वो 12 साल की उम्र तक कम होना शुरू हो चुका था। फिल्म इंडस्ट्री में दूसरे चाइल्ड आर्टिस्ट ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी और 18 साल की उम्र तक आते आते इनका स्टारडम पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। गीत गाता चल, दीवानगी और अखियों के झरोखों जैसी फिल्में इनकी कुछ वो आखिरी फिल्में थीं जिन्हें सफलता मिली थी और जिनमें इनके काम की तारीफ की गई थी। इसके बाद इन्हें काम मिलना बंद हो गया। फिर इन्होंने अपना ग्रुप बना लिया और ये जूनियर महमूद म्यूजिकल नाइट्स नाम से स्टेज प्रोग्राम्स करने लगे। 90 के दशक में तो इन्होंने कुछ मराठी फिल्में डायरेक्ट और प्रोड्यूस की थीं। फिर बाद में इस तरफ से भी उन्हें कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई और जूनियर महमूद दोस्तों पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गए। जूनियर महमूद कहते थे कि वो आज भी हिंदी फिल्मों में काम करना चाहते हैं और उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उन्हें छोटे रोल दें, लेकिन वो बस इतना चाहते हैं कि अगर उन्हें रोल छोटा भी दिया जाए तो वो रोल दमदार तो होना ही चाहिए। मॉडर्न कबूतर यही उम्मीद करता है कि जूनियर महमूद की ये ख्वाहिश पूरी हो और कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर इन्हें बढ़िया सा रोल ऑफर कर दे, लेकिन अफसोस कि उनकी ये आगे की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। जी हाँ दोस्तों, 60 और 70 के दशक के फिल्म इंडस्ट्री के ये मशहूर कलाकार जूनियर महमूद 8 दिसंबर 2023 जुम्मा का दिन यानी आज के दिन कैंसर जैसी लंबी बीमारी से जंग लड़ने के बाद आज इनकी डेथ हो गई। इनकी मौत से उनके फैंस और बॉलीवुड इंडस्ट्री में शौक की लहर दौड़ गई है। हाल ही में जूनियर महमूद के बेहद ख़राब स्वास्थ्य से जुड़ी खबरें आई थीं जिसके बाद फैंस उनकी सलामती के लिए दुआ कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। जूनियर महमूद ने अपने आखिरी दिनों में अपनी एक आखिरी ख्वाहिश जाहिर की थी जिसे जानकर आपकी भी आंखें भर आएंगी। जूनियर महमूद स्टेज 4 के पेट के कैंसर से पीड़ित थे और अस्पताल में भर्ती थे। दरअसल वो बॉलीवुड सुपरस्टार जितेंद्र से मिलना चाहते थे। ये उनकी आखिरी इच्छा सचिन पिलगांवकर की मदद से पूरी हुई। जूनियर महमूद की मौत से कुछ दिनों पहले ही जितेंद्र अस्पताल में उनसे मिलने पहुँचे थे। इस दौरान जूनियर महमूद की हालत देखकर जितेंद्र भी काफ़ी इमोशनल हो गए थे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। जितेंद्र के अस्पताल में जूनियर महमूद से मिलने, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों इस तस्वीर में, जितेंद्र के साथ जॉनी लीवर भी अस्पताल में जूनियर महमूद का हाल चाल लेते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों ने फैंस को भी काफ़ी भावुक कर दिया है। इसके अलावा जूनियर महमूद ने एक और इच्छा बताई थी दोस्तों, और वो ये थी कि जब वो इस दुनिया में ना रहें तो दुनिया उन्हें बुरे नहीं
बल्कि एक अच्छे इंसान के तौर पर याद रखें। वो कहते हैं कि मैं साधारण आदमी हूँ, ये तो आप अब तक जान ही गए होंगे। मैं बस यही चाहता हूँ कि जब मैं मरूँ तो दुनिया कहे कि वो अच्छा आदमी था। जूनियर महमूद ने दोस्तों बॉम्बे टू गोवा, ब्रह्मचारी, गुरु और चेला जैसी फिल्मों में काम कर पॉपुलैरिटी हासिल की थी। उन्होंने अपने करियर में 250 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। उन्होंने देश विदेश में कई स्टेज शोज़ भी किए थे। उन्हें उस युग का एक अनुभवी अभिनेता माना जाता है जिन्होंने कई लोगों का दिल जीता। कम वक्त के लिए ही सही, लेकिन जूनियर महमूद ने दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा खासा योगदान दिया है। जूनियर महमूद आज हमारे बीच नहीं है दोस्तों, लेकिन वो अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि जूनियर महमूद को स्टेज 4 पेट कैंसर था, तो ये कैंसर उनके लीवर, फेफड़ों और आँत तक फैल गया था। उनके करीबी दोस्त और एक्टर मास्टर राजू बताते हैं कि डॉक्टर्स ने यहाँ तक कह दिया था कि अब जूनियर महमूद के पास ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिनों का वक्त है। और यही नहीं दोस्तों, उनके परिवार ने बताया कि बीमारी के कारण जूनियर महमूद का 36 किलो वज़न कम हो गया था। वो बहुत दर्द में जी रहे थे। वहाँ उनके साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी थे। ये सब देखकर जितेंद्र का दिल पसीज गया और वो भावुक हो गए। जितेंद्र और जूनियर महमूद ने नासिर हुसैन की फिल्म कारवा में एक साथ काम किया था। तब सेट पर आशा पारेख और जितेंद्र के साथ जूनियर महमूद ने खूब समय बिताया था और यहीं से इनकी दोस्ती गहरी हो गई थी। जूनियर महमूद की पत्नी का नाम लता है। जब जितेंद्र आखिरी वक्त में अपने दोस्त से मिलने गए थे, तब उन्होंने रोती हुई लता को संभाला था। इस दौरान खुद जितेंद्र की आंखों में भी आंसू छलक उठे थे। इसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में जितेंद्र बताते हैं कि उन्होंने लता के साथ सुहागन फिल्म में काम किया था। तब वो बहुत कम उम्र की प्यारी सी लड़की थी। करीब 40 साल पहले लता ने ही जितेंद्र को बताया था कि वो जूनियर महमूद से शादी करने वाली हैं। बता दें कि परिवार में पत्नी के अलावा उनके दो बेटे, बहू और एक पोता भी है। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मुकाम पर। कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं, क्या हुए हो दिन।